नमस्कार दोस्तों, हमारे कॉर्नर वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपको लेके आ गया हूँ बिलासपुर के कलकत्ता मूर्तिकार के पास। और दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि बिलासपुर में कहाँ कहाँ पर गणेश जी की मूर्तियाँ बनाई जाती है। तो सबसे पहले हम लोग आए हैं कलकत्ता मूर्तिकार के पास, और यहाँ पास काफ़ी अच्छी मूर्तियाँ बनाई जाती है, मतलब गणेश जी की और दुर्गा जी की सभी प्रकार की मूर्तियाँ यहाँ पास बनाई जाती है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ का एड्रेस बताता हूँ। यहाँ का एड्रेस है तोरवा के जस्ट आगे आओगे तो धान मंडी पड़ता है। धान मंडी के पास यहाँ पास लाल खदान रोड है, वहाँ पास आपको यहाँ पास का एड्रेस मिल जाएगा। और वहाँ पास बैनर लगा है पीछे में, वहाँ पास सबसे पहले मैं आपको बैनर दिखाता हूँ, जिसके सहारे आप यहाँ पास आपको एड्रेस भी मिल जाएगा और यहाँ का मोबाइल नंबर मिल जाएगा, तो कॉन्टेक्ट के सहारे भी आप यहाँ आ सकते हैं। और तो चलिए चलते हैं अंदर और दिखाते हैं आपको यहाँ की गणेश मूर्तियाँ। तो दोस्तों, यहाँ पास बैनर लगा हुआ देख सकते हैं यहाँ पास, और पंडाल भी बना हुआ है। यहाँ पास ही गणेश जी की दुर्गा जी की आधी मूर्तियाँ बनाई जाती है। और यहाँ पास विनर लगा हुआ देख सकते हैं कलकत्ता मूर्तिकार। यहाँ पास गणेश, विश्वकर्मा, दुर्गा, काली, लक्ष्मी, सरस्वती आदि की सभी प्रकार की मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। और यहाँ पास एड्रेस लिखा हुआ है, और यहाँ मतलब दादाजी का नाम है तपन दादा, ऑटो वाले, यहाँ पास लिखा हुआ है। उनका मोबाइल नंबर भी सामने लिखा हुआ देख सकते हैं विनर में। और यहाँ से अपन अंदर चलते हैं, और सामने शुभम भाई यहाँ पास हैं जो साथ में आज आए हुए हैं शूट के लिए। तो देख सकते हैं यहाँ पास दो पंडाल बने हुए हैं जिसके अंदर मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। यहाँ पास गणेश जी की मूर्तियाँ बनाई जा रही है, और वहाँ पास जो है दुर्गा जी की मूर्तियाँ भी बनाई जा रही हैं, क्योंकि दुर्गा जी की मूर्तियाँ बनाने में टाइम लगती है, तो बहुत पहले से दुर्गा जी की मूर्तियाँ बनाना चालू हो जाता है। तो चलिए चलते हैं अंदर। तो दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पास गणेश जी की मूर्तियाँ बनाई जा रही है, काफ़ी बड़ी बड़ी साइज़ की इस बार यहाँ पास गणेश जी की मूर्तियाँ बनाई जा रही है। जैसे यहाँ पास देख सकते हैं दादाजी अभी यहाँ पास काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, देख सकते हैं काफ़ी सारी मूर्तियां यहाँ पास बनाई जा रही है, और काफ़ी बड़ी बड़ी साइज़ की भी मूर्तियां हैं देख सकते हैं। जैसे इस वाली मूर्ति को देख सकते हैं, जो मूर्ति का साइज़ है करीबन 8 से 9 फीट हो सकती है, और बाकी 4 फीट 5 फीट 6 फीट सारी प्रकार की मूर्तियां हैं यहाँ पास। जैसे इस वाली मूर्ति को देख सकते हैं, काफ़ी प्यारा लग रहा है। अभी तो मिट्टी का बस काम हुआ है यहाँ पास, बाकी इसमें जब फिनिशिंग का हो जाएगा, मतलब पुट्टी का काम हो जाएगा और कलर हो जाएगा, तो काफ़ी प्यारा लगेगा इस वाली मूर्ति को। काफ़ी अच्छी अच्छी मूर्तियाँ बनाई गई हैं इस बार भी यहाँ पास। जैसे इस वाली मूर्ति में देख सकते हैं फिनिशिंग का काम हो चुका है, बाकी हाथ इसमें लगाना बाकी है, और बाकी तो उसके बाद ही पुट्टी का काम किया जाता है। ये वाली भी मूर्ति का साइज काफ़ी बड़ा देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस वाली पंडाल का वीडियो शूट हो चुका है, और सामने यहाँ पास एक और पंडाल टी का बना हुआ है जहाँ पास भी गणेश जी की और दुर्गा जी की मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। तो अभी अंदर चलते हैं और देखते हैं कि इस वाली पंडाल में कितने साइज की मूर्तियाँ बनाई गई हैं। तो सबसे पहले देख सकते हैं इस साइड जो है कि दुर्गा जी की मूर्तियाँ बनाई गई है, बाकी एक साइड गणेश जी की मूर्तियाँ हैं। और पीछे यहाँ पर भैया लोग काम कर रहे हैं, तो उनसे बातचीत करते हैं और जानकारी लेते हैं यहाँ का। दादाजी आपका नाम क्या है? भैया आपका नाम क्या है? तो भैया, यहाँ पास गणेश जी की मूर्तियाँ हैं, कितने रेट से स्टार्टिंग है यहाँ पास, प्राइस क्या है, और कितने साइज के इस बार यहाँ पास मूर्तियाँ बनाई गई गणेश जी की? तो जैसे दादाजी अभी आते हैं यहाँ पास, तो ऑर्डर लेके आते हैं तो यहाँ पास मूर्तियाँ तैयार हो जाएगी, और फोटो लेके आते हैं तो फोटो जैसा, तो जैसे फ़ोटो लेके आते हैं तो मतलब क्या बोलते हैं, उसका रेट कितना स्टार्टिंग है जैसे ऑर्डर में बनवाते हैं तो, साइज के हिसाब से, उसके हिसाब से रेट रहेगा। और यहाँ का एड्रेस बता दीजिए थोड़ा, पुलिस चौकी तोरवा का एड्रेस।
तो हाँ तो दादा भी जैसे मूर्तियों में काम कब तक कंप्लीट हो जाएगा? हाँ अभी मिट्टी का ही बस काम हुआ है अभी। जैसे यहाँ पर दुर्गा जी की भी मूर्तियाँ बनाए जा रहे हैं, तो दुर्गा जी का भी मूर्ति लेके आते तो बन जाएगा ऑर्डर में? तो दोस्तों अगर आप मूर्ति बनाना चाहते हैं अपने ऑर्डर के तौर समिति के लिए, तो यहाँ पास आ सकते हैं और ऑर्डर में बनवा सकते हैं। पास रेट भैया आपको बता दिए हैं। बाकी जो रेडीमेड यहाँ पास मूर्तियाँ बन के तैयार हो चुकी हैं, तो अगर आप यहाँ पास मूर्ति बुक करना चाहते हैं अपनी समिति के लिए तो यहाँ आ सकते हैं। और बाकी इधर तो देख सकते हैं दुर्गा जी की भी मूर्तियाँ बनाई जा रही है, और दुर्गा जी की भी मूर्तियाँ आप यहाँ पास बनवाना चाहते हैं ऑर्डर के द्वारा तो भी आ सकते हैं। देख सकते हैं चारों साइड दुर्गा जी की भी मूर्तियाँ बनाई जा रही है यहाँ पास। तो भैया जी यहाँ पास जो कारीगर हैं उनसे मिलवाना चाहते हैं, तो भैया लोग से नाम पूछ लेते हैं। भैया आपका नाम क्या है? हिंदी नहीं आता बोल रहे? हाँ बाहर से तो भैया बोल रहे हिंदी बोलने नहीं आता है। इनके मिसेज भी काम करती है। हाँ और आप कहाँ से भैया? बिलासपुर का ही। हाँ कब से आप यहाँ पास मूर्ति बना रहे हो? 22 साल हो गया। तो देख सकते हैं जैसे भैया को अपना जीवन का 22 साल यहाँ पास मूर्ति बनाने में दे चुके हैं। भैया क्या बना रहे हो आप? उंगली गणेश जी का है कि दुर्गा जी का है? गणेश जी का है। आपका नाम क्या है? आप कहाँ से हो? यहाँ कब से मूर्ति बना रहे हो आप? यहाँ 4 महीना हो गया। इसी साल से बनाना चालू किया? हाँ। आप कितने साल से मूर्ति बना रहे हो? हम तो जब मेरा उम्र था 8 साल से बना रहे। हाँ अभी उम्र कितना है आपकी? मतलब 40 साल हो गया आपको मूर्ति बनाते हैं। तो दोस्तों यह था कलकत्ता मूर्तिकार के यहाँ पास जो मूर्तियाँ हैं वहाँ तो मिट्टी का काम हो चुका है, बाकी तो कलर का काम स्टार्ट हो जाएगा कुछ ही दिनों में। बाकी यहाँ की आपको मूर्ति कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना, और मूर्ति अच्छी लगी हो तो यहाँ पास अपनी समिति के लिए बुक करना चाहते हो तो यहाँ पास आ सकते हैं, और रेडीमेड भी आपको मिल जाएगा, और बाकी ऑर्डर के द्वारा भी बनवाना चाहते हैं तो यहाँ पास आ सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को भी शेयर करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।